दुनिया में ऐसे कई मामले हैं जिनके बारे में सुनकर काफी हैरानी होती है। कई बार तो चीजों पर लोगों को यकीन करना तक मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से, जहां हुक्के का कश लेकर लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये 100% हकीकत है। आमतौर पर हुक्के को नशे का सामान माना जाता है, लेकिन उज्जैन के आयुर्वेदिक कॉलेज में अलग अलग बीमारियों का इलाज हुक्के के साथ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महिलाओं से लेकर पुरुष तक अलग अलग बीमारियों का इलाज करवाने के लिए उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में हुक्के का कष लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह का पहला ये मेडिकल कॉलेज है जहां ऐसे लोगों का इलाज किया जा रहा है। जिस हुक्के का कष लोग लेते हैं वह हर्बल हुक्का होते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो इस हुक्के का इस्तेमाल दमे का मरीज, साइनस श्वास रोग के मरीज करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ कोरोना मरीजों में भी इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन सराफ का कहना है कि इस हुक्के को पीने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इनमें कई तरह की औषधियां मिलाई जाती है, जिनमें तेज पत्ता, पीपल की छाल, नागर मौसा, बरगद की छाल, मुलेठी हल्दी समेत कई अन्य चीजों को भी शामिल किया गया है। प्रोफेसर का दावा है कि कोरोना में भी यह हुक्का काफी प्रभावी है, लिहाजा काफी दूर दूर से लोग इस हुक्के का कष लेने के लिए यहाँ आते हैं।